वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल है आप सब लोगों की, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया होगा। एंड वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं एक एलिगेशन के साथ। बेसिकली आपने रिसेंटली BGMS को फॉलो किया ही होगा, जहां पर आपने सोल नकुल का क्लच भी देखा होगा। एंड इन्हीं क्लचेस को लेकर के एंड टीम आईक्यू सोल को लेकर के एक एलिगेशन में देखने को मिल जाता है कास्टर्स के ऊपर कि उनकी कास्टिंग हमें बायस देखने को मिल रही है। मतलब अगर बात गॉड लाइक की होती है देन कास्टर्स चिल्लाने लग जाते हैं और हाई बनाने लग जाते हैं, बट बात जब आईक्यू सोल की होती है तो कोई हाई देखने को नहीं मिलती है। एंड इसके रिगार्डिंग हमें दो क्लिप्स भी देखने को मिली, पहले वो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। पर ही वो टीम अभी के लिए जॉनाथन की तरफ से जूसी को टेक डाउन किया जाएगा। उनका ग्रेनेड जाता हुआ Team Godlike, they are slowly and steadily rising to the occasion. Jonathan, the aura on this man to go for the fights. Punk excites se Admino show abhi bhi hit hai. Koi chicken chheen nahi sakta is samay. Final surviving, still trying to go for the survival. But Godlike shayad yahan par phas chuki hai. Upar jana mushkil ka sabab ho sakta hai. Admino, Jonathan try zarur kar rahe hain, lekin spot kiya jayega Admino ko ek acha off angle. Aur ab वो योलो अप्रोच आती हुई पुकार की गए हैं तो ले करके डुबा करके गए हैं प्लेयर्स को। वहां पे ऑप्शन भी नहीं था गॉडल के पास, दे वर लिटरली स्टक। और जैसे ही मौका मिला पुकार को उन्होंने एडमिन को नॉक एंड फिनिश करा। यहाँ पे गॉडल का जीता तो असंभव रहेगा, बट यहाँ पर जो मेन फाइट आईक्यू सोल वर्सेस द टीम है गॉडरेन। Godlike अब नकुल बचे हैं और दूसरी तरफ बचे हैं जोनाथन। एंड वही सेम बंदा जिसने क्लिप पोस्ट करी वो यहाँ पर ये बोलता है, इट्स क्लियर दैट द कास्टर्स आर बायस्ड टुवर्ड्स गॉडलाइक। ओशियन जस्ट वॉच द गॉडलाइक सीडी क्लिप एंड यू वर हाइपिंग देम अप एंड शाउटिंग एज इफ दे हैड ऑलरेडी वॉन द टूर्नामेंट। एंड ओशियन इस चीज पर रिप्लाई देते हैं, इन द सेकंड क्लिप आई इवन सेड द वर्ड नकुल। ब्रो मैं था ही नहीं कास्टिंग पे उस टाइम, क्रैट थे तो मैं कैसे हाइप करता। अगर मैं वहां पर होता, इफ आई वाज देयर, मैं करता ना हाइप कि सोल का बैटमैन आया संभालने अपने सिटी को। उस टाइम बोली क्रैट रहे थे तो मैं कैसे बोलूं, कट करके आप थोड़ी बोल सकता हूं। एंड ओशन इस चीज के ऊपर लाइव आकर के भी रिप्लाई देते हैं, वो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। भाई मैंने तो अपनी कास्टिंग प्रॉपरली करी है ऑनेस्टली अगर बताऊं, बट बात पता क्या है, को कास्टर्स को भी अच्छा होना पड़ता है, दैट इज हाउ अ गुड कास्टिंग जस्ट कम्स आउट। मैंने बहुत प्रॉपर करी है एंड बस ये मान लो कि मेरे हाथ में नहीं था कि जब मुझे अगर किसी और को हाइप करना था तो मेरे पास वो बोलने वाला टाइम नहीं था, वो किसी और कास्टर के पास जा रहा था, अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड बोथ साइड्स कास्टिंग। एंड फर्दर ओशन को जब हेट्रेड मिलने लगता है देन ओशन ये बोलते हैं, स्टॉप मेकिंग मी अ पंचिंग बैग फॉर योर हेट्रेड, आई वाज नॉट इवन टॉकिंग एट दैट टाइम। एंड फाइनल मोमेंट पे फिर फाइनल मोमेंट को हाइप करना होता है। एंड इफ यू डिडंट सी द पोस्ट मैच तो उसमें भी इवन सेट की नकुल का क्लच दिखाता है कि उसमें कितना गुदा है, कॉज उस टाइम मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। गेस यू आर अ काइंड ऑफ किड हु डजंट वॉच द पोस्ट एंड प्री मैच देन एट ऑल एंड जस्ट फाइंड आउट moments to make someone your punching bag। and further thug bhi ye bolte hain, let's stop pointing out ocean for every small bit bro, what he does as a vlogger is his personal hustle and what he does as a caster is different, don't mix up and form opinions। then wo banda thug bhai ko reply karte hue agree karta hai। and inhi sare tweets ke chalte thug ki taraf se bhi perception dekhne ko mila tha ki IQ soul ki hype nahi hui thi। then further jab ocean ko hate jata hai then thug ye bolte hain, उन्होंने और समुंदर ने बात करी, मतलब ओशन ने बात करी, थग ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा एंड ओशन ने अपने ओपिनियन को शेयर किया। देन थग ये बोलते हैं, ऑल इन ऑल आई नेवर हैव एनी हेट फॉर कास्टर्स एज आई हैव बीन इन देयर शूज एज वेल, सो जाके हेट मत दो। उन्होंने वो बोला जो उनको फील हुआ। बाकी में वीडियो में आगे बढ़े तो हमें कार्निवल गेमिंग से एस पावर का फेयरवेल देखने को मिल जाएगा एंड काफी सारी लीक से आ रही है कि वो मोगो स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हुए देखने को मिल जाएंगे। बट अब सवाल ये आ जाता है कि क्या कार्निवल गेमिंग में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। देन गॉब्लिन यहाँ पर इस चीज के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ वो अपने कॉन्फिडेंस और ओवरऑल सीजी के परफॉर्मेंस पे बात करते हुए नजर आ जाते हैं। यस देयर माइट बी चेंजेस इन द टीम गाइस, इसके बाद फिर से आप लोग को देखने को मिल सकते हैं चेंजेस। यस जो भी चैट में लिख रहे हैं यस। बाकी यार जो जहाँ भी क्या है मतलब अभी उसको ही पता है भाई, मेरे को आइडिया नहीं है, वो ही बताएगा अपने स्ट्रीम पे, मेरे को जीरो आइडिया। चेंजेस है टीम में गाइस, तुम लोग को देखने मिलेगा और मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ इस बार आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद द टीम और हम लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा करने वाले BMPS में, मैं तुमको प्रॉमिस कर रहा हूँ। मैं मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंटली कभी नहीं बोला हूँ, बट आई प्रॉमिस यू गाइस कि BMPS में हम फाड़ने वाले हैं। चाहे हम लोग फिफ्थ है सिक्स है, फिनिशेस पॉइंट हाईएस्ट होंगे और हम लोग बहुत अच्छा कंपटीशन देंगे टॉप के लिए। ट्रॉफी चाहिए, ट्रॉफी यार आएगी, ट्रॉफी ट्रॉफी आएगी भाई। इतना क्लोज थे, इतना क्लोज, लास्ट मैच था सबसे इंपॉर्टेंट। सोल ने 10 पॉइंट निकाले, NTT ने 16 शायद निकाले, हमें सिर्फ 11 पॉइंट निकालने थे विन के लिए, सिर्फ 11 पॉइंट जो हमारा एवरेज था, टोटल सारे मैचेस का मिलकर एवरेज था, उतने पॉइंट निकालने थे, कुछ आर या पार भी नहीं करना था, सिर्फ 11। अक्षत, हाँ अक्षत का तुम लोग को बहुत डाउट थे मेरे को, तो मैं तुम लोग अक्षत का क्लियर कर देता हूँ। अक्षत हमारे साथ ही है, अक्षत हमारे साथ ही BMPS खेलने वाला है
अक्षत इज नॉट गोइंग एनीवेयर, और अक्षत का स्टार्टिंग से हमारे साथ स्टिक करने का ही प्लान था. अक्षत कहीं नहीं जा रहा, अक्षत सीजी में है, अक्षत अपने टीम के साथ है. सिर्फ एक चेंज होगा, अक्षत, नियो, मैं, हेक्टर, और मतलब ठीक है, अब देखने को मिल जाएगा तुम लोग का. बट आई प्रॉमिस यू गाइस, इस बार BMPS में तुम्हारा भाई खत्म कर देगा सबको. ठीक है, सोल बहुत ज़्यादा अच्छा खेली, कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम सोल. सेकंड कौन है? हाँ, एंटिटी. एंटिटी भी बहुत अच्छा खेली. टीम तमिलनाज और अपना तो सेम पॉइंट हो गए थे भाई. फिनिशेस सबसे हाईएस्ट अपने, फिनिशेस सबसे ज़्यादा अपने टीम के. ओवेस ने अपने को बहुत हेल्प की भाई, मैं तुमको जेन्युइनली बता रहा हूँ, ओवेस ने हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत. मतलब तुमको मैं समझा नहीं सकता इतनी हेल्प करी ओवेस ने हमारी, बहुत ज़्यादा. मतलब बहुत फ़ायदा हुआ ओवेस की वजह से हमारा, बहुत ज़्यादा. अमित भाई शायद मेडल जा रहे हैं ना, अमित भाई शायद मेडल, ओमेगा भी कोई एक टीम में जा रहा है. I think I'm not sure. बाकी मैं वीडियो में आगे बढ़े तो ऐसी रूमर्स हमें देखने को मिल रही है कि एंटिटी अपने रोस्टर को मतलब डिसबैंड करने वाली है. एंड ना सिर्फ इतना, बल्कि ऐसी लीक हमें ये देखने को मिल रही है कि वो सिर्फ बीच में ही नहीं बल्कि डॉटा 2 रोस्टर को भी रिलीज करने वाले हैं एंड अपने ऑपरेशन को शट डाउन करते हुए देखने को मिल सकते हैं. वेल, नॉट श्योर इफ इट्स गोना बी ट्रू और नॉट, बट अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा शॉकर है IGC के लिए. बाकी मैं वीडियो में आगे बढ़े तो डायनमो की साइड से एक इमोशनल मोमेंट हमें देखने को मिल जाता है. एंड इस चीज को एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है, ये मोमेंट आप बस एंजॉय करो. मतलब मैंने वो उसकी जर्नी देखी है, जब वो उसको एक सब्सक्राइबर मिलता था, दो मिलता था, चार मिलते थे, भाग क्या के बोलता था मुझे, पानी पीने के लिए आता था या कुछ आता था, भाग क्या के मुझे बोलता था, मम्मी आज एकदम से उसकी पुरानी बातें याद है, वो किचन में भाग कर आता था, सब कहता है कोई रेड वाइन लाओ उसको तो वो भाग क्या था, मम्मी आज पता है क्या तुझे, उसको वैसे आदत थी, मैं खाना बनाती थी, आके ऐसा पीठ पे मारता था, मम्मी तुझे पता है क्या आज कितने सब्सक्राइबर हुए मेरे, आज 40 हुए, आज 50 हुए. और मुझे याद है एक छोटा सा बच्चा था, और मैं भी जाती थी, मैं उसको बीच बीच में गेट खोल के पानी देती थी, क्योंकि उस समय तो इतना पता नहीं था, मुझे ऐसा लगता था हाँ चलो कुछ खेल रहा है, तब ना हमको नहीं पता था ना वो इतना अच्छा नाम करेगा या कुछ. बट एक छोटा बच्चा, पता नहीं कहाँ गया वो बच्चा, एक छोटा बच्चा था, उसने बहुत आदि को फेमस किया था, वो रोने लगा था, वो इतना मुझे याद है. मैं गेम अभी भी नहीं देखती, ये लोग दोनों लाइव रहते, मेरा खाना बनाने का टाइम रहता है. बाकी मैं वीडियो में आगे बैठे तो यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूज थे कि क्या गॉड लाइक में कुछ चेंज हमें देखने को मिलेगा. एंड ऑल्सो गॉड लाइक में प्लेइंग फॉर चेंज कौन करता है, उस चीज के ऊपर भी यहाँ पर एक ओपिनियन आप देख सकते हो. बता देता हूँ, अभी जो अपने 6 मैन है वही रोस्टर रजिस्टर हो चुका है BMPS में, तो अभी BMPS में सेम लाइनअप खेलेगा और सिम्प है, अगर कोई अच्छा नहीं खेलता तो सिम्प खेलेगा, मतलब वो शफल करते रहेंगे अगर नहीं ज्यादा है तो, क्योंकि अभी इन चारों को भी एक दूसरे के ऊपर जो भी खेले इतना दिन से है कॉन्फिडेंस, तो फिर कोई नया आएगा फिर से वही पुराना सीन की हाँ नहीं न्यू एंड ऑल, तो वो नहीं चाहिए था. तो देखो कोच वही आ गए, मतलब उन्होंने हमेशा ट्राई किया था टीम को मोटिवेट करने का एंड बहुत सारा, मतलब वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे स्टार्टिंग में, और जब तक गए तब तक अच्छा ही था, बट थोड़ा सा वो एल लिख रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफॉर्मेंस आ जाएगा इस, तो वो फिर वन मोर इलिमिनेशन नहीं होगा, लिख के देता हूँ BMPS का फाइनल भी खेल लेंगे इसी टीम के साथ, कोच का बता देता हूँ मैं. तो उनका हुआ ऐसा, मैं तो रहता नहीं था टीम के साथ, मैं अलग से रहता था, फिर टीम में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ था, और फिर मेरे को टीम मीटिंग वगैरह ले लिया मैंने, तो मेरे को बोल दिया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैंने सेम डे फिर पॉटर भाई और कोच भाई को मुंबई भेज दिया, मतलब घर भेज दिया कि अभी तो टीम के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे को वो टाइम पे चार लोगों को साथ में रखना था, मतलब 5 प्लेयर को साथ में रखना था, मेरे को वो नहीं चाहिए था कि किसी भी एक पर्सन की वजह से या किसी की भी वजह से टीम में प्रॉब्लम हो, क्योंकि अल्टीमेटली टीम उधर खेल रही थी, मतलब टीम तो टूर्नामेंट खेलना था, अगर बीच टूर्नामेंट में मैं नहीं कर सकता ना, हाँ ठीक है चलो लड़ाई झगड़े सॉर्ट करते हैं एंड बाकी चीज़ें ये करते, वो तो नहीं कर सकते थे. सीन क्या इंटरनल थोड़ी बता सकता हूँ भैया क्या हुआ क्या नहीं, बट एक था एक मोमेंट आया था ऐसा कि नहीं जा रहा था अच्छा, मतलब एक दूसरे के साथ जम नहीं रहा था,
अभी BMPS के टाइम में तुमको टीम के साथ एक दो लोग दिखेंगे एक्स्ट्रा जो उनके लिए काम कर रहे हैं, मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, बट BMPS से पहले आपको दिख जाएगा वो चीज़ उनके साथ कोई। जॉनाथन इसीलिए गॉड लाइफ चल रही है ब्रो, बस जॉनी की वजह से ही चल रही है, अकेले इंसान की वजह से नहीं चलता है ब्रो, और बहुत सारे लोग होते हैं और सबकी टीम मेहनत होती है उसमें, कोई भी इंसान अकेला थोड़ी ये कर सकता है, कोई नहीं कर सकता ऐसे। बट यस, फैन फॉलोइंग में बोल सकते हो कि जॉनी से बेटर नहीं है कोई, इंडिया में तो कोई नहीं है। बाकी इस पर्टिकुलर में सिर्फ इतना ही, मैं भी चलता हूं, मिलता हूं आप सब वीडियो में, साइनिंग ऑफ।